जलपरी की जादुई अंगूठी एक बहुत ही खूबसूरत सी झील में बहुत ही सुंदर जलपरी रहती थी, जिसका नाम था हीर जलपरी। वह झील के पास आए असहाय लोगों की मदद किया करती थी। उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ थी और लोगों की मदद करने में उसे बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन वहाँ एक त्रिशा नाम की परी आती है। हीर जलपरी, आप मुझे सुन सकती हैं? प्लीज मेरी मदद कीजिए। पर उसे हीर जलपरी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अभी इस झील में कूद जाऊंगी। उसके इतना कहते ही वहाँ पर हीर जलपरी प्रकट होती है। क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हीर जलपरी, प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए। लोग कहते हैं कि आप सबकी मदद करती हैं। वो मेरे माँ पापा की मौत हो चुकी थी और मैं अपने घर में रहती थी। एक दिन मेरे घर में एक औरत आई और वह मेरे घर को अपना घर बता रही है। और उसने कहा है कि अगर मैं उसके साथ रहती हूँ तो मुझे मेरे ही घर की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अब मैं कहाँ रहूँगी? मेरी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तुम उस घर में रह सकती हो। और ये लो, ये जादुई अंगूठी है। ये तुम्हारे हिस्से का सारा काम करेगी। और तुम इस बारे में उस औरत को कुछ भी मत बताना। ठीक है, आपका धन्यवाद। त्रिशा परी वापिस अपने घर आ जाती है। अच्छा, तो आ ही गई है कल ठिकाने। क्यों, तैयार है ना इस घर की नौकरानी बनने के लिए? जी, मैं सारा काम कर लूंगी। जा और जाकर सारा काम कर। उस जादुई अंगूठी की मदद से त्रिशा परी घर का सारा काम जल्दी ही खत्म कर लेती है। पर उस औरत सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है कि इतनी छोटी सी परी इतने सारे काम कैसे कर सकती है। त्रिशा परी, जल्दी से यहाँ। जी, क्या हुआ? अगर तूने सारी सच्चाई नहीं बताई तो देख लेना कि मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। सच्चाई? पर कौन सी सच्चाई? मुझे तो किसी बारे में कुछ नहीं पता है। बहाने बनाने की जरूरत नहीं, तू ऐसे ही चुटकियों में इतने सारे काम नहीं कर सकती। जरूर इसके पीछे कोई वजह है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तेरा बहुत ही बुरा हाल करूंगी। त्रिशा परी बहुत ही डर जाती है और हीर जलपरी के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। अगर मैं उस जलपरी को बेच दूं तो कितने सारे पैसे मिलेंगे? फिर मैं काफी अमीर बन जाऊंगी। क्या बात है, हट मेरे सामने से। मैं उस जलपरी को पकड़ने के लिए जा रही हूँ। वह औरत उसी झील के पास पहुँच जाती है। पहले थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। हीर जलपरी, मेरी मदद करो। कौन है तू? एक मिनट, तू तो वही औरत है ना जिसने त्रिशा परी का घर छीना है और उसे परेशान कर रही है। बिल्कुल ठीक समझी। और अब मैं तुझे कैद करके बेचने वाली हूँ, फिर तो मैं काफी अमीर हो जाऊंगी। फिर जैसे हीर जलपरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो हीर जलपरी अपनी जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना देती है। उस औरत को उसकी करनी का फल मिल जाता है और त्रिशा परी को उसका घर वापस मिल जाता है। त्रिशा परी भी बहुत खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।